condition for the balance with stone bridge. ध्यान दो, तो बायलेंस विथ स्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन है इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फिर हम लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिए और उसके बाद किरचॉफ सेकंड लॉ की भी जानकारी होनी चाहिए। आसानी से इसको पकड़ सकते हो। फिर जैसे हम लोग फिर इलेक्ट्रिक सर्किट को यहाँ बना रहे हैं और फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ध्यान से अगर देखोगे तो सबको पकड़ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ की लगा दीजिए, इसको हम लोग P, Q, R और S लिए हैं और यहाँ पर हम लोग A, B और C, D लिए हैं और बीच से हम लोगों को गैल्वेनोमीटर G इस तरह से जुड़े हैं। अब यहाँ पर हम लोग को सेल से I धारा, यहाँ पर धारा आएगी तो दो भाग में बट जाएगा, एक में मान लेते I1 और दूसरे में I2। अब यहाँ पर जब धारा आएगी B पर, फिर दो ब्रांच है तो मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर से होकर जाने वाली धारा IG और शेष जो धारा बच गया I1 माइनस IG वह इस ब्रांच से होकर के जाएगा और उसके बाद इधर से आने वाली धारा और इधर से दोनों यहाँ पर मिल जाएगी और मिलने के बाद यह हो जाएगा I2 प्लस IG और फिर ये दोनों धारा आकर के C पर मिलेगी और मिलने के बाद जितनी धारा यहाँ इंटर किया था आई उतनी ही धारा यहाँ से बाहर आएगी, इट मीन्स आई। ये हम लोग को करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, एकदम सिंपल। ध्यान से अगर देखते हैं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर को एकदम ध्यान से सुनिए। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, वी आर कैलकुलेटिंग द कंडीशन फॉर बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। हम लोग बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन शर्त निकाल रहे हैं कि क्या ऐसा शर्त होगा जिसमें कि तुमको आई जी बराबर जीरो हो जाए, इट मीन्स गैल्वेनोमीटर से होकर कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, उसके लिए क्या शर्त होगा, इट मीन्स बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज के लिए क्या शर्त होगा। तो हम लोग यहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ का मदद लेते हैं और यहाँ पर दो क्लोज सर्किट बन रहा है, एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड, दोनों पर किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग लेते हैं इन क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट पहला वाला ले लेते हैं, इन क्लोज सर्किट ए बी डी और ए, यह हो गया इन क्लोज सर्किट ए बी डी ए। इस क्लोज सर्किट में तो हम किरचॉफ सेकंड लॉ को लगाने का तरीका बता चुके हैं कि क्लोज सर्किट में आपको जहां जहां रेसिस्टेंस है, इट मीन्स वह उस सर्किट का एक पार्ट हो गया और किसी भी पार्ट के करंट और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उन सब का जोड़ प्रत्येक भाग में उस भाग में लगे हुए ईएमएफ के बराबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं हम यहां से शुरू करते हैं, ए बी ब्रांच से शुरू करते हैं और ऐसे हम घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, तुमको डायरेक्शन एकदम कोई ना कोई डायरेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप नियम लगाइए। तो हम ऐसे सेलेक्ट करें, इस ब्रांच से हम शुरू करते हैं, इस ब्रांच में धारा है I1 और इसका प्रतिरोध है P, तो इट मींस I1 into P। अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद धारा इस ब्रांच में आएगा, तो इस ब्रांच में देख लो ये G को हम लोग यहां रेसिस्टेंस और इससे फॉलो करने वाली करंट को IG, तो इसका मतलब अभी धारा के दिशा में चल रहे थे इसलिए IG into G, एकदम ध्यान से सबको एकदम सुनते रहे। अब हम लोग फिर यहाँ पर जब आ रहे हैं, फिर हम लोग को तो ये सर्किट लिए हैं, इधर की ओर जब हम लोग ये धारा इधर की ओर आ रही है, हम लोग इधर जा रहे हैं, इतने अपोजिट टकरा गए, तो अगर हम लोग टकरा गए हैं तो सीधी बात है कि इसमें हम लोगों को माइनस लग जाएगा और धारा इसमें I2 है और ये R हो गया और बराबर इस बंद परिपथ में क्लोज सर्किट में कोई भी सेल नहीं जुड़ा हुआ है इसके अंदर, इट मीन्स कोई ईएमएफ हम लोग को दिखाई नहीं, इसलिए इसको हम लोग जीरो मानेंगे। तो हम लोग बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज के लिए शर्त निकाल रहे हैं, तो इट मीन्स इस सिचुएशन में आई जी जीरो होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, ब्रिज के लिए आई जी बराबर जीरो होगा। तो इस मान को हम लोग इसमें अगर रखते हैं तो आई वन पी प्लस हो गया जी इंटू आई जी का मान जीरो माइनस आई टू आर बराबर हो गया जीरो। अब देखो ये पूरा मान तो जीरो ही हो गया, इसका मतलब सीधा है ये आई वन पी माइनस आई टू आर बराबर हो गया जीरो, ठीक है। अब देखो फिर ये आई वन पी बराबर हो गया आई टू आर ये, और उसके साथ साथ हम लोग ये कह सकते हैं अब इसमें जैसे इसको हम लोग आई वन अब बटे इसको लाएंगे तो आई टू और ये आर है इधर और पी इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, इट मीन्स आर बटे पी। ये हम लोगों को पहला वाला भाग आया फर्स्ट क्लोज सर्किट से फर्स्ट इक्वेशन।
अब देखिए, ध्यान दीजिए सर, हम लोग अभी जो वायरलेस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए शर्त निकाल रहे हैं, तो व्हीटस्टोन सिर्फ एक क्लोज सर्किट पूरे सर्किट मिला करके होगा, तो एक के लिए शर्त निकाले, दूसरा क्लोज सर्किट भी बचा हुआ है तो हम लोग उसमें भी लगाते हैं नियम। इन क्लोज सर्किट हो गया तुमको, क्लोज सर्किट अभी हम ले रहे हैं बी, बी से शुरू कर रहे हैं सी, उसके बाद डी और उसके बाद बी, ध्यान से सुनो, बोलना नहीं है, इन क्लोज सर्किट बी सी डी बी। इस क्लोज सर्किट में हम लोग फिर सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, तो तुमको देखो चार ब्रांच है, एक दो तीन, तीन ब्रांच है, तीनों ब्रांच में कहीं से तुम शुरू कर सकते हो नियम को लगाना। तो मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम ऐसे घूमते हैं ऐसे, मान लो तो हम इस ब्रांच में लगाएंगे तो इस ब्रांच की धारा मालूम है और इसका प्रतिरोध भी मालूम है, तो सीधे नियम है कि आई वन माइनस आई जी इंटू हो गया क्यू। उसके बाद इस ब्रांच में आएंगे तो धारा इधर से आ रही है, हम लोग उधर से उल्टा हो गए, माइनस लगा देंगे और आई टू प्लस आई जी और इंटू हो गया तुमको एस, और फिर इस ब्रांच में जाएंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो माइनस आई जी इंटू जी, और इस ब्रांच में भी कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो इसको हम लोग आई बराबर जीरो कर। अब रहा कि हम लोग फिर कह सकते हैं फॉर वायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो फिर वायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की हम लोग बात करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आई जी बराबर जीरो, और आई जी बराबर जीरो होगा तो ये आई वन माइनस जीरो इंटू क्यू और माइनस आई टू प्लस जीरो इंटू एस और माइनस जीरो इंटू जी बराबर जीरो। आई जी का मान हर एक जगह जीरो रखती है, तो ये वैल्यू आ गया तुमको आई वन इंटू क्यू माइनस आई टू इंटू एस बराबर हो गया जीरो, और आई वन इंटू क्यू माइनस बराबर यह उधर जाएगा तो फिर प्लस में आ जाएगा। अब इसमें हम लोग आई वन और इस आई टू को इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और बराबर हो गया तुमको एस, और ये भी डिवाइड में क्यू हो जाएगा एस बटे क्यू, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखो तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इस दोनों से अगर लेंगे तो दोनों में LHS देख लीजिए बराबर है I1 बटे I2, तो हम लोग कह सकते हैं R बटे, ध्यान से केवल सुनना है। अब जैसे हम लोग को R बटे यहाँ पर हम लोग गए उसमें निकाले थे Q, R बटे Q, P, R बटे P बराबर हो गया S बटे Q, S बटे Q, ठीक है, ये दोनों को हम लोग बराबर किए तो हम लोग को वायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये शर्त आया। अगर इसको चाहे तो तुम उल्टा भी कर सकते हो, जैसे P बटे R कर दे तो यह हो जाएगा Q बटे S, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, देख लो एकदम कन्फ्यूजन में नहीं रहना, इसको चाहे तो इसके जगह, इसको चाहे तो इसके जगह ले जा सकते हैं, इसको चाहे तो इसके जगह, इसको चाहे तो इसके जगह ला सकते हैं, तो इसका मतलब इसको P बटे Q बराबर हम लोग इस R को इसके जगह R बटे S, ये सब शर्त है, सब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ अलग अलग नहीं, सिर्फ तुमको मैंने क्लियर होनी चाहिए बात की, कंफ्यूजन में नहीं होनी चाहिए, सब एक ही है। तो अब देखो क्या शर्त आया, दिस इज कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हम लोगों को क्या कंडीशन आया कि P बटे Q, तो P बटे Q बराबर R बटे S, तो ये P और Q क्या है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज की दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध है, तो दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा तो IG बराबर जीरो हो जाएगा, इट मीन्स तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। तो सीधे तौर पर यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं, फिर या तो दो संलग्न भुजाओं में कोई भी ले लो, P बटे R बराबर Q बटे S, P बटे R बराबर Q बटे S, या दो संलग्न भुजाओं में R बटे S बराबर P बटे Q, कोई भी दो संलग्न, अगर कोई भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो जाता है तो इट मीन्स उसके बीच वाले पार्ट जिसमें गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और हम लोगों को जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में या कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए तो हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इस पर आधारित अब प्रॉब्लम सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे। तो पहले सबको
कंडीशन मालूम हो गया कि इसमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना में अगर हम लोग को बैलेंस की कंडीशन चेक करना है तो किसी भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस प्राप्त करना है सिस्टम का, और यहाँ पर जो तुमको रेसिस्टेंस का सिस्टम है वो यहाँ पर हम दिखा दिए। देख लो ध्यान दो सबको, तो यहाँ पर मान लीजिए यह आपको 4 ओम का है, ये 8 ओम का है, और ये उसके बाद फिर तुमको 12 ओम का है, और ये 24 ओम का है, और ये तुमको 7 ओम का है, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्ञात करना है। ध्यान दो, तो तुमको इस सिस्टम में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तुमको ये पहचानना होगा कि क्या यह व्हीटस्टोन ब्रिज संरचना में है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना किस तरह की होती है ये संरचना सबको अभी क्लियर हो गया है। टीट में सीधे तौर पर हम लोग देख रहे हैं चतुर्भुज के 4 भुजाओं और बीच से होकर के एक हम लोगों को सर्किट है, जिससे कि धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी इसका भी हम लोग जांच कर सकते हैं, लेकिन यह संरचना हम लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना के अंतर्गत है। तो अगर अंतर्गत है सबसे पहले ये जांच कर लीजिए कि क्या यह बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये चीज़ हम लोग को जांच करना। तो बैलेंस और अनबैलेंस जांच करने का सीधा तरीका है कि अगर यह बैलेंस होगा तो कोई भी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, मतलब प्रतिरोध का अनुपात। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर ले पहले, जैसे हम लोग लेते हैं 4 और 8, तो 4/8 बराबर यह हो गया 12/24। एकदम ध्यान से सबको बोर्ड पर एकदम देखें, सिर्फ बोर्ड पर। तो 4 × 8 = 12 × 24, 1/2 बराबर 1/2, ये बराबर हो गया। इसका मतलब यह बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड सर्किट है, बैलेंस्ड सर्किट हो गया, बैलेंस्ड सर्किट। अगर बैलेंस सर्किट हो गया तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इट मीन्स यहाँ वाले भाग से फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट करंट थ्रॉज दिस सर्किट थ्रॉज दिस सर्किट सर्किट इज इक्वल टू 0। इससे फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तब तो ये फॉल्स सर्किट हो गया। फॉल्स सर्किट अगर है तो फॉल्स सर्किट को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, इससे कोई प्रभावित नहीं होगा हम लोग का सर्किट। तो हम लोग एक नया चित्र बनाए सॉल्यूशन में, और हम लोग यहाँ पर ये देखें कि अब जो हम लोगों को सर्किट होगा, ध्यान दीजिए यह सर्किट जो होगा वह हम लोगों को नए कैटेगरी में इट मीन्स इस रूप में एडवांस रूप में ऐसे आ जाएगा। देखिए इस तरह से आ जाएगा, और इसमें जो मान है यह 4 ओम, यह तुमको 8 ओम, और यह हो गया 12 ओम, और यह हो गया 24 ओम। देख रहे, तो हम लोग को यहाँ पर फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इट मीन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम लोग देख रहे हैं देर आर 5 टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस, 4 ओम, 8 ओम, 7 ओम, 12 ओम। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन टेस्ट दिस इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इट मीन्स बैलेंस सर्किट, और अंडर दिस कंडीशन इट इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रॉज दिस सर्किट, या हम लोग कह सकते हैं कि दिस पार्ट विल बी 0, इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होगा। तो अगर 0 होगा तो इट मीन्स दिस सर्किट इज फॉल्स सर्किट। तो हम लोग कह सकते हैं इस सर्किट को रिमूव कर दे तो हम लोगों का सर्किट इस सिस्टम में बन जाएगा। अब अगर इस सिस्टम में बन जाएगा तो कोई भी इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान निकाल सकते हो। तो पहले सबसे पहले तो सबको ये दो बात मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से कि हम लोग को अगर रेसिस्टेंस में अगर सीरीज का मान निकालना है तो सीधे सभी रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं जितना भी रेसिस्टेंस होता है, और अगर पैरेलल में मान निकालते हैं तो 1/R1 + 1/R2 + so on इस तरह से जोड़ते हैं। ये दो चीज मालूम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी मालूम होनी चाहिए कि सीरीज और पैरेलल की पहचान कैसे करेंगे। तो पहचानने का हम लोग को कई तरीका, उसमें एक सबसे सिंपल कि अगर प्रत्येक रेसिस्टेंस से होकर एक ही धारा फ्लो कर रही है, इट मींस दिस इज इन सीरीज कनेक्शन। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से अगर धारा आएगी तो यहाँ पर आने के बाद ए पॉइंट से इस दोनों ब्रांच में धारा बट जाएगी,
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ब्रांच तो सीरीज में नहीं होगा, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन जो धारा मान लीजिए आई वन इधर से जा रही, तो जो धारा इसमें होगी वही धारा इसमें भी होगी। तो ये दोनों अगर सेम, इट मीन्स ये दोनों में सेम धारा फॉलो कर रही है, इट मीन्स दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में। और इसमें भी जो धारा आएगी वही धारा इसमें भी जाएगी, इसका मतलब ये दोनों भी किस में हो जाएगा, सीरीज। तो पहले तो हम लोगों को पकड़ में आ गया कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये वाला भाग भी तुमको जो है सीरीज में और ये सीरीज में। तो सीरीज में हम लोग जो इक्विवेलेंट मान है सीधे जोड़ के निकालते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ये 8+4 इट मीन्स 12, तो हम लोग को एक नया सर्किट बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि ऊपर वाला दोनों जोड़ करके 12 ओम का और नीचे वाला दोनों जोड़ करके हम लोग को 24+12 36 ओम का आ जाएगा, 36 ओम का। ये हम लोगों को अब सर्किट हो गया, अब ये ऐसा बना। अब देखिए ये ए और ये हो गया तुमको बी। अब इसका हम लोगों को जब मान निकालेंगे तो वो फाइनल मान होगा, तब यहां से अगर करंट देंगे तो दोनों में बट जाएगा, इट मीन्स यह दोनों हम लोगों को किस में आ गया, पैरेलल। तब पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/12 + 1/36, एकदम ध्यान से सिर्फ बोर्ड पर देखना है। और 36 या एलसीएम हम लोग को 3+1 इनको 4/36 हो जाएगा और ये हम लोग को 9, इट मीन्स आर इक्विवेलेंट बराबर 9 ओम, 1/9 हुआ, आर इक्विवेलेंट बराबर 9, इतना हम लोग को हो जाएगा, देख लो, ठीक है, देख लीजिए। तो यह हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 9 ओम प्राप्त हुआ। तो इसमें एकदम क्लियर सबको होनी चाहिए कि सबसे पहले अगर व्हीटस्टोन ब्रिज को तुम पहचान रहे हो तो सबसे पहले चेक कर लिया बैलेंस और बैलेंस। अगर बैलेंस हो गया तो बीच वाला फॉल्स सर्किट को निकाल के नया चित्र बनाइए। नया चित्र जैसे बनाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ सीरीज है कहाँ पैरेलल है। और जो सीरीज अगर पहले हम लोग को तोड़ना है तो सीरीज वाले भाग को तोड़ करके हम लोग इतना निकालें और इसका फाइनली हम लोग पैरेलल का इक्विवेलेंट, टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट हम लोग को ज्ञात हो जाएगा।